हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू बोड़ा की सब्ज़ी। तो हमने यहाँ पे 250 ग्राम बोड़ा लिया है और 2 उबले हुए आलू लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमने आलू बोड़ा काट लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस में हमने 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल गर्म हो गया है। अब हम कटा हुआ बोड़ा डाल देते हैं। अब हम इसे चलाएंगे। चलाने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। तो हम चेक कर लेते हैं, बोड़ा पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे हम आधा इसलिए पका दिए हैं, जब हम बोड़े का सब्जी बनाएंगे तो सब्जी में बोड़ा कच्चा नहीं रहेगा। और सब्जी हमने 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा लाल हो गया है। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। तो दोस्तों, प्याज गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसे चला लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी मिला के चलाएंगे कि मसाला हमारा जले ना। इसमें हम लहसुन और हरे मिर्चे का पेस्ट डालेंगे और गैस लो करके मसाले को भूनेंगे जब तक मसाला तेल न छोड़ दे। मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। दो मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं तो टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसे पलटे की मदद से मैश कर लेंगे। हमने टमाटर को पलटे की मदद से मैश कर लिया है। अब हम इसमें आलू बोड़ा डाल देंगे और इसे हम चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे। हमने पानी डाल दिया है। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे। से 7 मिनट हो गए हैं। सब्जी बहुत अच्छे से पक रही है। हम इसे 2 मिनट और पका लेते हैं। फाइनली सब्जी बन के रेडी हो गया है। सब्जी देखने में इतना अच्छा है तो खाने में और भी अच्छा होगा। आप इस तरह सब्जी बनाइएगा, खाइएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपकी सब्जी कैसी बनी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।